सो हेलो लो प्यू गाइज, वेलकम टू माई यूट्यूब चैनल स्टडी मटेरियल ए टू जेड। गाइज ये आपके सामने टेलीग्राम है, इसको ज्वाइन कर लीजिए। गाइज आपको पीडीएफ और आपके जितने भी प्रैक्टिस सेट है, और यहाँ पे दोस्तों एक मैं जो कि चलो आप बताइए, क्योंकि मैंने जहाँ से कोचिंग की थी उसकी मेरे पास कम से कम 15-16 बुक पड़ी है, वो मैं टेलीग्राम पे डाल दूँ ताकि आप अच्छे से प्रैक्टिस कर पाओ। और एग्जाम ओरिएंटेड इतनी बेस्ट बुक है गाइज, आप उसको अगर लगा लेते हो तो भाई सिलेक्शन रुकने वाला नहीं है, और उनको तुम कर पाते हो क्योंकि भाई उनमें क्वेश्चन है, डायरेक्टली क्वेश्चन दे रखे हैं कि आप कितना कर पाते हो, वो चीज आप अगर देख लेना। और देखिए 1 मंथ का टाइम बचा है, आप जितनी ज्यादा प्रैक्टिस करोगे तो भाई उतना अच्छा होगा। लेकिन बेसिकली हमारा वीडियो थोड़ा सा अलग है कि हम जो वैकेंसी के बारे में बात करने वाले हैं, लेकिन यहाँ पे थोड़ी सी मैं जो कि बताने वाला था, और भाई मैं कोशिश करूंगा कि आपको टेलीग्राम पे धीरे धीरे वो जो कि सभी विषयों के जो कि आपको दिया जाए तो भाई वो आपको मिल जाएंगे। आप जो टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए, और आप जो यहाँ पे थोड़ा सा देख सकते हो ये भी ज्वाइन कर सकते हो, आपके लिए कोई मैंडेटरी नहीं है, लेकिन आप टेलीग्राम को ज्वाइन कर लीजिए। ये जो आपके सामने दिख रहा है, यहाँ पे आपको दोस्तों बिग अपडेट, आपको सबसे ज्यादा मैं यहाँ पे मोटिव भी करता रहता हूँ, सब कुछ चीजें पूछता भी रहता हूँ, तो आप जो उसका जवाब भी दीजिए। तो गाइस चलिए बात करते हैं जो अपना मेन इंपॉर्टेंट टॉपिक है वैकेंसी के रिगार्डिंग, क्योंकि बहुत ज्यादा कैंडिडेट ने मुझे इसके बारे में पूछा था, तो भाई आज पूरा डाउट क्लियर करेंगे। दोस्तों आपको अगर पता हो तो जो एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे एक नोटिस जारी किया गया था, आपको अगर नहीं पता है तो बता देता हूं यहाँ पे जो कि एक जो आपके लिए यहाँ पे ही वैकेंसी, क्योंकि ऑफिशियल कुछ भी ऐसा नोटिस नहीं आया था, लेकिन आपको इशारों में समझाया गया था, क्योंकि यहाँ पे देखिएगा एक एडिशनल लिस्ट जो कि एक और जारी की गई थी, और उसमें ये चीज जो कि स्पष्ट क्लियर हो जाता है, क्योंकि अब की बार ये चीजें जो की हुई है और आपकी यहाँ पर स्पष्ट हो जाता है कि वैकेंसी आपकी इंक्रीज हुई है। और गाइज ये आपके लिए बहुत बड़ी खुशखबरी है कि वैकेंसी इंक्रीज हुई है, क्योंकि अक्सर क्या रहता है कि अक्सर आपका जो आंकड़ा रहता है ना वो आपका रहता है 3300 प्लस। अब जितने भी कैंडिडेट थे जिनकी स्टैंड बाई थी उन सभी को कैंडिडेट को ले लिया गया, क्योंकि और उनके बाद भी जो कि एक जो लिस्ट और जारी कर दी गई है, तो ये चीज और उससे पहले भी एक नोटिस जो कि एयरफोर्स की ऑफिशियल वेबसाइट पे जारी किया गया था, अभी देखिए कोई भी ऐसा अपडेट नहीं है, लेकिन एक नोटिस और आया था उसमें भी ये कहा गया था कि सभी कैंडिडेट को ज्वाइनिंग के लिए आना है और वैकेंसी काफी ज्यादा है। तो यहाँ पे हम आपके एक्सेप्टेड अगर वैकेंसी की बात करें ना, तो क्योंकि पहले 3300 प्लस वैकेंसी थी, अब की बार गाइस लगभग अगर हम बात करें ना तो आपकी वैकेंसी 4000 के पास पहुंच चुकी है। तो यहाँ पे गाइस ये एक बहुत बड़ी अपडेट होती है और आपके लिए, क्योंकि हर एक कैंडिडेट एक वैकेंसी के पीछे ही भागता है, क्योंकि वैकेंसी ही हमारा मेन टारगेट होता है। कि हम अक्सर बोलते हैं कि हमें एक एक वैकेंसी, हमें एक सीट चाहिए, तो वो वही है, सीटें हैं गाइज आपके लिए, और आप कितनी मेहनत करते हो उस सीट के लिए वो चीज आपके लिए इम्पोर्टेंट है। भाई एग्जाम का मात्र 1 मंथ आपके लगभग रहे हैं, और यहाँ पे जो सबसे ज्यादा कमेंट की सर कट ऑफ में क्या इफेक्ट पड़ सकता है आपके जो वैकेंसी अगर इंक्रीज हुई है तो क्या जो कि कट ऑफ है वो बहुत कम रहेगा? ना भाई, क्योंकि कम नहीं रहेगा, ये चीज आप समझो, क्योंकि जितने आप जो आपके नेक्स्ट वैकेंसी आती है वो आपके फॉर्म ज्यादा डलवाती है, तो अब की बार भी फॉर्म काफी डले हैं और उससे प्रीवियसली की तुलना में काफी फॉर्म ज्यादा है, तो भाई फॉर्म से भी इफेक्ट पड़ता है, और थोड़ा सा इफेक्ट पड़ता है आपके पेपर के लेवल पर, क्योंकि प्रीवियसली जो पेपर आया था वो भाई मतलब आपके जो कि इतना आसान था, क्योंकि जो लॉकडाउन के कारण बोलूं या फिर उनका तरीका अलग था, लॉकडाउन के कारण क्योंकि पेपर तो लॉकडाउन से पहले ही बन चुका था, तो भाई पेपर पे भी डिपेंड करती है कि कट ऑफ आपकी कितनी इंक्रीज होती है, लेकिन आपकी वैकेंसी पर भी मेन डिपेंड करती है, क्योंकि ये चीज जो आपके लिए सबसे ज्यादा जो कि जानना जरूरी था भाई, और आपके लिए जो अपना टारगेट है भाई एक सीट के लिए, तो भाई जी जान लगा दीजिए अभी, और कट ऑफ भाई वाई ग्रुप का तो कंफर्म है कि आपका अब की बार जो कि कट ऑफ था वो 29.25 था, तो भाई इंक्रीज जरूर होगा।
ऐसे कुछ लॉकडाउन के कारण जो घटना घटित हुई थी, और जो कि ये चीज जो कि बिल्कुल भाई स्पष्ट मेंशन भी करती है। और एक्स ग्रुप में भाई मुझे नहीं लगता कि ज्यादा चेंज होगा, लेकिन आपको भाई एक्सेप्टेड यही होना चाहिए कि आपके वाई ग्रुप में 40+ का टारगेट होना चाहिए, एक्स ग्रुप में 50+ का टारगेट होना चाहिए। तो ये आप अचीव करते हो तो भाई वो सीट आपके लिए खाली होती है जो आप एक सीट का इंतजार करते हो। तो गाइज मुझे ये अपडेट करना काफी दिनों से जो कि मेरे जहन में चल रहा था, और मुझे कुछ कैंडिडेट पूछ भी रहे थे कि सर इस पे एक वीडियो लेकर आइए। तो भाई फाइनली आपके लिए ये वीडियो जो कि उम्मीद करता हूँ सभी को पसंद आया होगा। और गाइज जो भी कैंडिडेट नए हैं भाई चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, अपडेट आपको मिलता रहेगा। और जो भी स्टडी मैटर है वो आपको टेलीग्राम पे फॉरवर्ड करता रहता हूँ, और आपके लिए थोड़ा नया भी करने की कोशिश करूँगा। तो गाइज ये आपके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है कि आप वैकेंसी का मद्देनजर रखकर अपनी तैयारी को बहुत बेहतरीन कर सकती हैं, और आपके लिए ये जो कि गोल्डन अपॉर्चुनिटी भाई अब की बार जानी नहीं चाहिए, ये आपका लक्ष्य होना चाहिए। तो मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो के साथ, उम्मीद करता हूँ कि आपको वीडियो पसंद आए, और जय हिंद जय भारत वंदे मातरम।